अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता का तीसरा चरण आज देखते हैं। कविता तीसरे चरण में यूं शुरू होती है, समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है, दिया जल रहा है पीता लोक प्रसार में, काल चल रहा है, आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती हैं छपी हुई जल चित्र कृतियों सी, अलग व दूर दूर निर्जीव। यह सिविल लाइंस है, मैं अपने कमरे में यहां पड़ा हुआ हूं, आंखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूं? मैं हूं। रात के दो हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों सी की आवाज, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेश, अचेतन प्रतीक्षा कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते, हाय हाय टॉलस्टॉय कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीचों बीच, घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते, शायद टॉलस्टॉय नुमा कोई वह आदमी, और है मेरे किसी भीतरी धागे की आखिरी छोर वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा शायद टॉलस्टॉय नुमा। प्रोसेशन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्र अंधेरे में सुनसान किसी दूर बैंड डल की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वप्न उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूं देखता हूं रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिकी हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के दुतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अधियारे तल में नील तेज उद्भास पास 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 आ रहा इस भोर दबी हुई गंभीर स्वप्न स्वर स्वप्न तरंगे सतध्वनि सुगम संगीत उदास तान धुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पांतों की बिंदुएं छिटकी बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता, और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे बैंड दल उनके पीछे काले काले कल बलवान घोड़ों का जत्था दिखता, घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता, क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। अजीब दोनों ओर नीली गैस लाइट पांत रही जल नींद में खोए हुए शहर की गहन और चेतना में हलचल पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात, सब सोए हैं लेकिन मैं जाग रहा देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। विचित्र प्रोसेशन गंभीर क्विक मार्च कला बत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल अस्थिर रूप व्यकृत स्वरूप उदर आकृति आंतों के जालों से बाजों
बाजी वे धमकते हैं भयंकर, गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभरते रहते, ध्वनियों के आवर्त मडराते पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार, इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घ पांत, टैंक दल मोर्टार आर्टिलरी सन्नद, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए झुलसे हुए बिगड़े हुए गहरे, शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। उनके पीछे यह क्या कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ आधा भाग कोलतारी भैरव आबदार, कंधे से ऊपर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है, कर्नल ब्रिगेडियर जनरल मार्शल कई और सेनापति सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहां तक कि कविताएं पढ़ी थी। भई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कविगण, मंत्री भी उद्योगपति और विद्वान, यहां तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद, बनता है बलबन हाय हाय, यहां ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहां निखर आए हैं, यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी, मेरी ओर भर हृदय में मानो की संगीन नोके ही घुस पड़ी बरबर, सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली दागो ससाले को एकदम, दुनिया की नजरों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, वह जान गया वह सब, मार डालो उसको खत्म करो एकदम, रास्ते पर भाग दौड़ धका पेल, गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर, एकाएक टूट गया स्वप्न वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र, जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र, विभिन्न दफ्तरों कार्यालयों केंद्रों में घरों में, हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी, हाँ हाँ मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। मुक्तिबोध का कवि मन मैं, और मैं का प्रतिरूप वह, मैं और वह के अंतर द्वंद में, मैं की जो यह फैंटेसी है, यह जो स्वप्न कथा है, वह तीसरे अंक में आकर अंधेरे की वस्तु स्थिति को खुलकर बतलाने की स्थिति में है। जिस सामाजिक लोकतंत्र में हम रह रहे हैं और जो आजादी हमने चाही थी, वह आजादी मिली और कितनी मिली, इन सारे प्रश्नों पर मुक्तिबोध का कवि सचेत होकर आम संवेदन और जनता को जगाने की कोशिश करता है। यह जो अंधेरा घना हो रहा है लगातार,
उसके कारक कौन है इसकी खोज भी मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में अपने इस तीसरे चरण में करती है। तीसरा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें वह जुलूस है जिसको मुक्तिबोध का कवि मैं रिपोर्टर के रूप में, रात के रिपोर्टर के रूप में, जनता की संवेदनाओं के संरक्षक के रूप में देखता है। इस जुलूस में कौन है? प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कवि गण, उद्योगपति और शहर का सबसे प्रमुख व्यक्ति और उसके साथ जुलूस में शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद, इन सबको मिलाकर कवि ने एक नाम दिया है, मृत यात्रा दल। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, जिनकी आत्माएं मर गई हैं। वे सारे लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हैं और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है शहर को, देश को, समाज को सही ढंग से रखने की, सही ढंग से संयोजित करने की। यदि जिनकी जिम्मेदारी है वही भक्षक हो जाएं, तो फिर कौन संभालेगा? इस वर्ग को संकेतित करते हुए, चिन्हित करते हुए मुक्तिबोध का कवि कहता है कि भीतर का राक्षसी स्वार्थ इनका जाग गया है और ये सब एक हो जाते हैं। किसके खिलाफ? आम संवेदन, आम जनता के खिलाफ। अंधेरे में का तीसरा खंड उस पूरी स्थिति परिस्थिति का एक गहन अवलोकन है जिनके कारण अंधेरे की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। न जाने कितनी योजनाएं, परियोजनाएं अंधेरे से मुक्ति के लिए बनती हैं, चलती हैं और फिर नए सिरे से व्यवस्था के अंधतम में न जाने कहां समा जाती हैं। यहां दृश्य बनता है रात के अंधेरे में सड़क पर चलते जुलूस से, जिसमें सब हैं जो दिन में घरों दफ्तरों में योजनाएं बनाते, वही रात में सड़क के जुलूस में चलते हैं। क्या कवि, क्या पत्रकार, लेखक और क्या शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद। यह अंधेरा कितना भयानक है कि इसकी तस्वीर के लिए कवि मैं और वह के बीच आत्मसंघर्ष की चल रही गाथा में मैं के साथ पूरे शहर को दिखाने ले चल पड़ता है कि देखो यह स्थिति है, इसके लिए कोई भी संघर्ष अकेले का सफल नहीं हो सकता, यहां तो सब मिलकर इस अंधेरे से लड़ सकते हैं। देखो अंधेरा कितना घना और सबल है कि समझ ही नहीं आता कि जो सामने चल रहा है वह स्वप्न है या यथार्थ या जागृति का समय शुरू हो गया है। देख रहे हैं सब कुछ सामने ही है, काल रात्रि और इसमें टिमटिमाता अस्तित्व की इबारत लिए एक धुंधली तस्वीर है। एक उम्मीद है अंधेरे के खिलाफ, जिसके सहारे हम सब अपनी अपनी आत्माओं की सुगंध को लिए चल रहे हैं। जीव निर्जीव इस अस्तित्व की इबारत में, इस सुगंध यात्रा में, इस पहचान यात्रा में सब शामिल हैं। कवि अपनी वास्तविक स्थिति को बताता है कि यह सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में यहां पड़ा हूं, आंखें खुली हैं और पीटे गए बालक का मार खाया चेहरा लिए बैठा हूं। रात के दो हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो है, जिसमें कवि का मैं बराबर अपनी आत्मा की साकल को खटखटाता रहता है।
रेलगाड़ी के पहियों की आवाज के बीच एक अनपेक्षित घटना का भयानक संदेश, बहुत सारी दुश्वारियां, कहीं रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित सुलगते रहते हैं, दिखते रहते हैं स्लेट पट्टी पर। यहाँ जो लेखक, कवि, विचारक, देश की आत्मचिंता का प्रहरी कवि अपने ही कमरे में बैठा, पर वह केवल कमरे में नहीं बैठा है, उसकी नजर दूर जंगल के सियारों के हूहू पर है, तो रेलगाड़ी के पहियों पर और कहीं एक्सीडेंट न हो गया हो, सब पर उसकी नजर है। यहाँ उसे मानवता के लेखक तालस्टाय भी दिख जाते हैं, विचारों का उद्भास आदमी दिखना संघर्ष के लिए अपने को तैयार करने जैसा भी है। कवि कहता है कि मेरे किसी भीतरी धागे के आखिरी छोर पर अनलिखे मेरे उपन्यास का, यानी जीवन गाथा था, इस जीवन गाथा को नहीं लिखा जा सकता। जब आप अपने आसपास दुनिया से पूरी तरह वाकिफ हों, आपके पास कहीं जंगल का अंधियारा है या सामाजिक अंधेरा, यदि सामाजिक अंधेरा है तो इसे दूर करने के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उस दृश्य को देखना पड़ेगा जो सड़कों पर इस तरह के सन्नाटे में चलता है। सड़क इस तरह से पूरे देश का नक्शा है, यहां सब है, और इन सबको देखना, इन्हें उजागर करना कवि, कविता और काव्य नायक का एक महत्व उद्देश्य है। क्या इस तरह शहर के लोग रोज रात में जुलूस निकालते हैं? इन सारे सवालों के साथ काव्य नायक मैं को एक एक चेहरे को पहचानने की कोशिश करता है कि कौन कौन है। सन्नाटे से डूबी सड़क पर दूर से आवाज आती है, बैंड दल की टूटी टूटी आवाज आ रही है। गैली से देखता हूं रास्ता, वह कोलतार पथ किसी मरी हुई काली जिहुआ की लगती है या मरे हुए दांतों का एक चमकदार नमूना, किंतु दूर से अब धीरे धीरे आवाजें पास आ रही हैं। यह कोई उल्लास का जुलूस नहीं, यह उदास जुलूस है। आगे क्या होने वाला है, इसका संकेत मुक्तिबोध का कवि मन बराबर देता रहता है। गैस लाइटों के बीच सांवले जुलूस सा कुछ दिखता है, और जो दिख रहा है वह निर्जीव सा दिख रहा है, उनके पीछे पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता है। विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, कलाबत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थिरूप यकृत स्वरूप उदर आकृति, आंतों के जालों से बाजे व दमकते हैं भयंकर, गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभरते रहते, ध्वनियों के आवर्त मदराते पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। कहना न होगा कि ये जो शोभा दल के चेहरे हैं वे कवि की दुनिया के ही हैं। इन चेहरों को बेनकाब करना कविता और कवि की चुनौती भी है, और एक वैचारिक यात्रा की सकर्मक चिंता भी। केवल हम स्वप्न न देखें, बल्कि बातों के आगे बढ़कर अपने होने का अस्तित्व एहसास भी कराएं, तब कहीं जाकर बात बनेगी। कवि कहता है कि इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में, उनके पीछे चल रहा है संगीन लोगों का चमकता जंगल। उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कवि, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहां तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद। यह दृश्य स्वप्न भी हो तो डरावना है, और सच में यदि सड़कों पर इस तरह के मृत आत्माओं का दल जुलूस रूप में निकलता है तो फिर अंधेरे से कौन मुक्ति दिलाएगा? सारा अंधेरा तो इन्हीं का है जिनको उजाले को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि वही अंधेरा बनाने लगे तो अंधेरे की अंधतम व्यवस्था करने लगे तो फिर कौन सवाल करेगा, कौन साहस करेगा सामने आने की? ऐसे में तो कविता का अपना रहस्यमय तरीका और काव्य नायक की उपस्थिति इस मारक रास्ते से मुक्ति दिलाने का काम करती है। ये सारे लोग रोज ही सड़कों पर ऐसे चलते हैं, जनता के खिलाफ योजना बनाते हुए, अंधेरे को गाढ़ा करते हुए। अब तक इनके असली चेहरे को किसी ने देखा नहीं था। ये सब दिन में दफ्तरों में, शहर के घरों में और संस्थाओं में बैठे होते हैं। इनका राक्षसी स्वार्थ इन्हें एक कर देता है, नहीं तो सबका कर्म रास्ता अलग अलग है, पर यहाँ सब एक हो जाते हैं। कहाँ पत्रकार, कहाँ उद्योगपति, कहाँ मार्शल और लेखक तथा शहर का हत्यारा, सब अपने राक्षसी स्वार्थ के घेरे में एक हो जनता के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जनता के खिलाफ
अपना जुलूस निकालते हैं, पर इस पूरे षड्यंत्र को देखे जाने की और जनता के पक्ष में आवाज उठाने की सजा मिलेगी। तभी तो कवि इस दृश्य को सामने रखता है कि इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठीं और सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो ससाले को एकदम। यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? इसका सीधा सा जवाब है कि हम सब दुनिया की नजरों से बचकर अपना कार्य कर रहे थे, पर उसने देख लिया। इस देख लेने की सजा कवि को, काव्य नायक को मिलेगी। गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। यह संघर्ष षड्यंत्र लगातार चलता रहता है। इसे जान लिया या देख लिया जाना भयानक बात है। कवि इस बात की ओर इशारा करता है कि हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। यह सच को देख लेने की सजा है, इससे बचा नहीं जा सकता और बचने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह की कोशिशें ही मानवीयता के इतिहास में कवि, कलाकार, क्रांतिकारी के द्वारा होता रहा है। तभी तो अंधकार का तिलस्म टूटेगा। इस अंधतम के अंधेरे को तोड़ने के लिए कहीं बाहर से कोई नहीं आएगा, हम में से कोई न कोई आएगा और तोड़ेगा। एक नई स्थिति आएगी और तय है कि एक दिन यह अंधेरा छटेगा।